Okay, this was the question given in homework. Question में inner surface की surface charge density निकालनी थी, ये वाली, और outer की निकालनी है. So let's see. How much charge Q dash will be induced on the inner surface when we keep the charge Q inside the cavity? तो चार्ज इंड्यूस निकाल लेंगे गॉसस लॉ से. पहले हम फ्लक्स की इक्वेशन लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, और गॉसस लॉ से 1/ε0 चार्ज, नेट चार्ज. सपोज क्यू डैश इंड्यूस हुआ और क्यू ऑलरेडी है उसमें रखा हमने, तो इक्वेट कर दिया दोनों को. Since it is conductor, E will be zero. Therefore, zero is equal to 1/ε0 Q plus Q dash. So, यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा, zero हो जाएगा. Q plus Q dash is zero. Therefore, Q is equal to minus Q dash is minus Q. ठीक है? तो opposite charge induced होगा. We could have written directly. Net field zero होने के लिए जितना कैविटी में रखा उतना ही अपोजिट इंड्यूस होगा, तभी फ्लक्स जीरो होगा, तभी फील्ड जीरो होगी. डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हमेशा. नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस का रेडियस आर है, देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस विल बी Q1 is equal to charge कितना है, minus Q upon surface area, that is 4πr² और outer पे क्या होगा, अभी ये चार्ज यहाँ पे minus Q चार्ज आ गए अंदर सरफेस पे यहाँ पर, तो इधर shortage of minus Q will make it plus Q, है ना, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्यों ही रहना, इस पे दोनों को ऐड करके देख लो तो क्यों आएगा वापस से, तो जितना चार्ज अंदर आ गया माइनस तो उतना यहाँ पे प्लस हो जाता है, सच दैट टोटल चार्ज रिमेंस अनचेंज्ड. तो आउटर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, उसको सिग्मा टू ले लो, टोटल चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया, आउटर की रेडियस कैपिटल आर डी है. Okay, we'll take it capital R here. So, similar question is, in fact, is given in the next chapter. वहाँ पर radius R1 and R2 है. So, similar question is there, that one. All right. Now we'll see. Electric field on any general point. Electric field on due to short dipole. This can be useful for JEE and NEET. तो पॉइंट पी ले लिया, डिस्टेंस आर पर एंगल थीटा बना रहा है वो डायपोल के साथ उसकी लाइन. तो यहाँ पर जो फील्ड होती है ई, इट इज गिवन बाय दिस रिलेशन 1/4πε0 पी बाय आर क्यू रूट के अंदर 3 cos² θ + 1. ऑलराइट, तो इसको डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आई विल टेल यू हाउ टू डू. ये डायपोल है, इसका ये कंपोनेंट ले लेंगे डायपोल मोमेंट का, जो कि आएगा पी साइन थीटा आ जाएगा, तो उसके उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, और डायपोल मोमेंट का ये कंपोनेंट जो कि पी कॉस थीटा आ जाएगा, उसके एक्सियल पॉइंट पर है,
है ना। तो एक्सियल एंड इक्विटोरियल के पीछे हमने सीखे, फिर उसका लिख के एक्सियल किधर आएगी, इक्विटोरियल की ऐसे आएगी, बिकॉज ऐसे रहेगा, तो दोनों का वेक्टर वेक्टर से निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर, तो ये आ जाता है। और जो कि अभी इस कितने एंगल डायरेक्शन में लिखनी है, इस लाइन के साथ अगर वो एंगल अल्फा बना रहा है तो रिलेशन आता है टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, थीटा जो है वो लाइन ज्वाइनिंग डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल ओरिएंटेशन पे है वो, ठीक है। थीटा इज द एंगल पोजिशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। तो ये वो भी उसी से डेरिवेशन हो जाता है, वेक्टर निकाल सकते हैं डिवाइड करके, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा जो है टेन अल्फा हो जाएगा, इधर टेन थीटा बाई टू बचता है, ठीक है। तो ये रिलेशन कैन बी यूजफुल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। नाउ इस पे बेस अगर एक क्वेश्चन पूछूं मैं, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट इफ थीटा, डायपोल मोमेंट किधर है, ये पॉइंट पर फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगी अगर थीटा की वैल्यू कितनी है ना, 45 से ज्यादा आएगी, बिकॉज टेन इनवर्स 1 इज 45, इट इज मोर देन 1, तो इट इज मोर देन 45 डिग्री एंगल, अलाइक लेस देन 60, 45 और 60 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर फील्ड इधर होती है, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी ये कंडीशन में। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इधर होगी, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे परपेंडिकुलर, इधर ऐसे, और इक्विटोरियल पॉइंट पे अपोजिट हो जाती है, तो एट सर्टेन एंगल इट बिकम्स परपेंडिकुलर। तो निकालते हैं उसको, यहाँ पे देखो ये थीटा, ये ओरिजेंटल के साथ थीटा है इस लाइन का, और ये अल्फा है, तो दोनों मिला के 90 हो गए, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, थीटा को इधर भेज दिया। अभी ये फार्मूला जो है उसमें वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा व्हिच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा, राइट साइड में 10 थीटा बाय 2 है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा, पहले अंडर रूट ले लो, 10 थीटा विल बी रूट टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ रूट टू विच इज मोर देन 45 एंगल, 45 डिग्री एंड लेस देन 60 डिग्री एंगल, ऑलराइट। तो दिस वाज जनरल पॉइंट, इससे देखो एक्सियल एंड इक्विटोरियल पॉइंट के भी मिल जाएंगे रिजल्ट, अगर थीटा हमने जीरो पुट कर दिया, यहाँ कहीं पे पॉइंट आ जाएगा एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 0 1, तो 3 प्लस 1 4, तो बाहर आ जाएगा 4 रूट से बाहर, तो 2 हो जाएगा, तो एक्सियल पॉइंट के साथ मैच हो रहा थीटा 0 पुट करने के बाद, और इक्विटोरियल पॉइंट यहाँ पर है, वहां पे थीटा विल बी 90 डिग्री, तो ये 90 भी 0 हो जाएगा पूरा, तो 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पर इक्विटोरियल पॉइंट में पी बाई आर क्यू होता है, के इंटू पी बाई आर क्यू, तो एक्सियल एंड इक्विटोरियल पॉइंट इसके साथ मैच हो रहा है, ये जनरल रिलेशन है, सभी पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ उसको, विल कंटिन्यू टुमारो विद द नेक्स्ट चैप्टर।